जी रिव्यूज कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम आपसे बात करेंगे 9th कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम की 2021 की। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूँ खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। तो बात करते हैं स्कीम की कि आखिर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके एमसीक्यू सेक्शन की, तो आपको टोटल जो है वो 10 एमसीक्यूज आते हैं। आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो 10 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको आएंगे, जो कि एक नंबर का आपका एमसीक्यू होगा। 1 × 10 × 10 जो है, यानी 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा। 2 एमसीक्यूज आपके हर चैप्टर से आएंगे, तो ये बात तय है कि आपके 10 नंबरों के एमसीक्यूज होंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो तकरीबन रूटीन वाइज जो हमने पिछले आपका साल का पेपर चेक किया, तो उसमें 4 और क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 1 से, 3 क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 2 से, 4 क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 से, 4 आपको चैप्टर 4 से, और 3 सवाल आपको चैप्टर 5 से। यानी टोटल जो आपको सवाल किए गए वो टोटल 18 हैं। 4 और 4 और 4 12, 12 और 6 18। तो 18 सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको तकरीबन 36 नंबरों के सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे, 36 मार्क्स के। लेकिन आपने सारे अटेम्प्ट नहीं करने, आपका सीक्वेंस ये होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो है आपको, इसमें 6 पार्ट्स दिए होंगे, आपने 4 करने होंगे। यानी कि आपके पास 8 नंबरों के ये पार्ट होगा क्वेश्चन का, और 8 ही नंबरों का फिर आपका जो है ये होगा, और 8 ही नंबरों का ये होगा, यानी कि 4 पार्ट्स आपने करने होंगे। इस तरीके से फिर आपके टोटल 8 8 और 8 नंबर, आपके टोटल 24 मार्क्स आपने अटेन करने होंगे, हासिल करने होंगे, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आएँ। तो यही बात मैंने आपको इस स्लाइड पे भी बता दी है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के 24 होंगे, यानी कि 10 और 24 आपके 34 नंबर बन जाएंगे। फिर आते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की। ये बड़ा एक पेंडोरा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि पेंडोरा बॉक्स ओपन हो भी कैसे, कहाँ से लॉन्ग आना है। तो आपको चैप्टर 1 से जो है वो 8 नंबर का लॉन्ग आएगा, फिर चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से आपको 8 8 नंबर के लॉन्ग आएंगे। लेकिन ये तो अभी फिलहाल से सिस्टमेटिकली वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ से आपको लॉन्ग आएंगे, लेकिन आप चैप्टर 2 से और चैप्टर 5 से भी लॉन्ग जो टीचर्स ने आपको करवाई हैं उनको रिवाइज इस तरह कर लेना, कहीं ये ना हो कि वहाँ से इनका जो है वो लॉन्ग आ जाए और आप सोच रहे हो कि यार ये तो कहाँ से आ गया। तो बहरहाल आपको बहरहाल यहाँ से, मतलब इन चैप्टर से आप स्ट्रांगली तैयारी कर लो 1 3 4 से, और उनको भी रिवाइज कर लो जो 2 और 5 वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको देखें हम कि किस तरह आपकी मार्किंग हुई, तो 10 एमसीक्यूज आपको आएंगे, 24 सवाल आपने, 24 नंबरों के आपको सवाल आएंगे, लॉन्ग 16 नंबरों के आएंगे, 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इसमें से आपको मैंने जो भी बताया है कि क्वेश्चन 5 6 7 7 2 करने होंगे अटेम्प्ट, यानी 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो फिर इस तरीके से आपके 16 नंबर हो जाएंगे, 2 8 नंबरों के हिसाब से 50 नंबर का आपका पेपर आएगा। फिर स्टूडेंट्स पूछेंगे प्रैक्टिकल के सर नंबर कैसे लगेंगे, तो वो वीडियो भी मैंने दी हुई है, कैलकुलेशन फॉर मार्क्स। तो आप लिखो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मार्क्स स्पेस जीएस अकेडमी यूट्यूब पे, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, या नीचे लिंक वगैरह मैंने दिया होगा, वहाँ से आप देख लो। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो पैगाम आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा।